नमस्ते गेळेयरे, नमस्ते दोस्तों। आज एक हमारा दोस्त से मिला ओंकार बोल के, सरप्राइजिंगली उनका ऑफिस देखना पड़ा वैदिक आर्किटेक्चर का दृष्टिकोण से। वो टाइम बात करने का टाइम मालूम पड़ा ही स्टेस इन जर्मनी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदनगर। इनका इंट्रोड्यूस करते आओ। ये जर्मनी में रहते भी इंडिया में आना चाहते, रहना चाहते, काम करना चाहते, इसलिए ऑफिस ओपन किया। इनका रीजन बताया, हजारों इंजीनियर को काम देना चाहते। ये वेरी यूथ है वो लोग को। ये संवेदना देखो, मनी माइंडेड नहीं लगा ये आदमी, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नमस्ते ओंकार। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, आज आपको हमारा जर्मनी के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। या प्लीज आप बोलिए। देखो, अभी हम लोग ये वृक्ष के पास हम लोग खड़ा है। देखो ये वृक्ष का रूट देखो, जस्ट इंचेस गैप है। हमारा देश में इंचेस भी गैप नहीं रहेगा, पूरा कंक्रीट लगा देते हैं। और ये स्किन डिसीज आते हैं। जर्मनी में आप ऐसा स्किन डिसीज प्लांट्स देखा नहीं? नहीं। नंबर टू, इधर देखो, ये पॉम्पलेट लगा दिया। उन लोग का बाप का प्रॉपर्टी समझते है। इधर जर्मनी में ऐसा पॉम्पलेट देखा? नहीं, पॉसिबल। देखा, देखो देखो ऐसा पॉम्पलेट। हम लोग पहले इसको निकाल के बाद में बात करूंगा। ये अवेयरनेस इंडिया में आना चाहिए। देखो उसका नीचे कितना कीड़ा है। देखो ये कीड़ा आके पूरा जाड़ को कैंसर आ जाएगा। देखो कितना कीड़ा, वो पॉम्पलेट का वजह से दोस्तों। देखो कीड़ा सब नीचे, अभी नीचे उतर रहा है, ये जाड़ बच रहा है। अगर हम लोग को टाइम रहेगा तो इसका रूट भी क्लीन करूंगा, नहीं तो देखो रूट का स्किन निकल रहा है। ये हमारा देश में हम लोग सिखाना पड़ रहा है। ये जर्मनी जाके 18 साल हुआ? करेक्ट। 18 साल में कोई जाड़ का ऊपर आप ऐसा पॉम्पलेट देखा? नहीं। नंबर वन, 18 साल में जर्मनी में कोई जाड़ पे ऐसा पॉम्पलेट नहीं देखा, स्किन डिसीज नहीं देखा। उधर का जाड़ देखेगा तो हग करने को मन आते ना। करेक्ट। ओके। नंबर टू, इसको पाती साइंटिफिकली कितना चाहिए उतना छोड़ते ना? नहीं, नॉर्मली जो डायमीटर है उसका, उससे 1.5 मीटर कम से कम ज्यादा, यानी 4 या 5 फीट ज्यादा उसका ओपनिंग होना चाहिए, तभी उसको प्रॉपरली पानी जाएगा या उसका जो भी है डेवलपमेंट होगा। ओके। उधर कोविड कंट्रोल कैसे? नहीं, कोविड का जब अभी फॉर एग्जांपल जब चालू हुआ था लास्ट 2020 में, तो ऑब्वियसली वो वहां पे भी बहुत ज्यादा केसेस थे, बहुत ज्यादा पेशेंट्स थे और ये। लेकिन वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने, और वो वहां के जो सब पैरामेडिक और जो भी प्रोसीजर्स है वहां पे, जो भी अवेलेबल हॉस्पिटलाइजेशन और सब फैसिलिटी है, और जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो सेटअप है, उस बेसिस पे इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया। एंड ऑब्वियसली द पीपल, द जो नागरिक है वहां के, वो भी जब गवर्नमेंट बोलती है कि आपको किसी काम के लिए, इम्पोर्टेंट काम से बाहर नहीं जाना है अगर अनडेसनाटी, तो लोग भी सुनते हैं। बट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, या ओवरऑल सब बाकी का अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, दैट इज फंटेस्टिक। वहां पे भी बहुत ज्यादा केसेस थे, बट दे कंट्रोल्ड इट इन अ वेरी वेरी प्रॉपर एंड द स्ट्रक्चर्ड वे। ओके, आप ये बताओ, जर्मनी में अगर कोई कंस्ट्रक्शन, यू आर ए कंस्ट्रक्शनल इंजीनियर, दोस्तों ये बहुत बड़ा देशभक्त है, हमारा देश का बारे में बहुत सोचता रहते। इतना होते भी जर्मनी को क्यों तारीफ कर रहा है? तारीफ का बात नहीं है, हम लोग का देश को, हम लोग का भक्ति रहेगा तो हमारा देश को इम्प्रूव करना चाहिए। वो कंपेरिजन से उधर जर्मनी में करप्शन है क्या बताओ? नहीं, ऑब्वियसली अगर करप्शन मालूम पड़ेगा तो क्या होता है? उधर एक एग्जांपल बोलता हूँ, अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे दिवाली में या इधर लाइक गिफ्ट देने का एक ट्रेडिशन रहता है, या इन जनरल एक दूसरे कंपनी को गिफ्ट वगैरह मिलते रहते हैं, वहां पे अगर 5 यूरो से ज्यादा अगर कोई आइटम है जो किस आपको गिफ्ट में मिलता है,
5 यूरो, इवन इन जर्मनी 5 यूरो बहुत कम अमाउंट है, आप उसको 5 रुपए से कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको आपके इनकम टैक्स में डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपको किसी व्यक्ति से 5 यूरो से ज्यादा का गिफ्ट मिला है। और इन जनरल जो नॉर्म्स है, जो लाइक करप्शन का जो सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो इसके लिए, और ऑनलाइन सिस्टम्स है, तो इसके लिए करप्शन का सवाल आता ही नहीं है। और जस्ट इन केस अगर ऐसा करप्शन का कोई बात होता है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। बट मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में ऐसा बहुत कम बार सुनाई देता है कि लाइक किसी ने करप्शन किया, इसके लिए उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया है या एक्सेट्रा। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू इज, अगर जर्मनी में कोई कोरोना पेशेंट सीरियस हुआ, उनको ऑक्सीजन होने दो नहीं तो बेड होने दो, लेट होता है, नहीं मिलता है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। देखो, जब ये चालू हुआ था कोविड लास्ट ईयर, और वो जर्मनी या इस टाइप के कंट्रीज में भी वो सडनली बहुत इंडिया से भी ज्यादा नंबर्स थे, और ये, लेकिन फिर भी ऐसा कभी भी उनके सिस्टम, मेडिकल सिस्टम पे या सबके ऊपर हॉस्पिटल पे भी स्ट्रेस था ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा एक कम्प्लीटली नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट फिर भी उस केस में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को लाइक ये ऑक्सीजन के लिए या बेड नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो कुछ दूसरे जगह पे उसको एडजस्ट करना पड़ा, या वो वैसे ही उसका लाइक अनअटेंडेड केसेस कुछ नहीं था वहां पे। और दोस्तों, ये जर्मनी में बर्लिन में बीइंग एन इंजीनियर, ही इज मानसारा महिमाता के अनुसार एक गणपति मंदिर बना रहा है, वो इज नॉट ओनली डूइंग मॉडर्न टाइम कंस्ट्रक्शन, ही इज ऑल्सो डूइंग वेस्टर्न, आई मीन एंशियंट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। ही इज वेरी ग्रेट एंड वी शुड बी प्राउड दैट ही इज इंडियन कल्चर को भी आगे बढ़ा रहे। नंबर टू, अगर मंदिर का वो साइट में एक बड़ा झाड़ है, समझो कंस्ट्रक्शन को डिस्टर्ब हुआ, देन आर यू गोइंग टू रिमूव दैट प्लांट? नो, देखो उसमें बहुत, ये जो सब ट्रीज है, हर ट्रीज का रजिस्ट्रेशन रहता है, और हर ट्रीज को, हर वो जो सिटी अथॉरिटी रहता है, उनको एग्जैक्टली पता रहता है कि उस सिटी में कितने ट्रीज है, और एवरी ट्री इज मार्क्ड, और उसका एक रजिस्ट्रेशन रहता है। उसमें, वो तो इंडिया में भी रहता है। उसमें, हाँ, इट्स नॉर्मल, बट उसमें अगर ऐसा है कि वो जो ट्री है, इफ दैट इज उनके जो क्राइटेरियाज रहते हैं गवर्नमेंट के, उसके उसके लिए वो अगर इम्पोर्टेंट ट्री है या लाइक स्पेशल स्पीसीज है, या उसका री जनरेशन नहीं होने वाला है, अगर ऐसा कुछ स्पीसीज है, देन आपको वो रखना ही पड़ता है, यू कैन नॉट कट इट, और उसका आपको परमिशन ही नहीं मिलेगा, या बिल्डिंग साइट के लिए ही परमिशन नहीं मिलेगा, बट यू कैनॉट सिंपली कट द ट्रीज। अगर रिसेंटली हमारा बॉम्बे में 2000 झाड़ काटा गया है आरएमएल कॉलोनी में, जर्मनी में होता तो क्या करता था? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी क्या होता था, यानी ऐसा होना ही बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, यानी okay. उसमें देखो दोस्तों, जस्ट डेवलपमेंट मींस नॉट कंस्ट्रक्टिंग ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट मींस नेचुरल ग्रोथ आल्सो शुड बी मेंटेन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग प्रकृति संवेदना है, एक जाड़ का ऊपर भी पॉम्पलेट नहीं बोल रहा है, ये कोई कोई एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स नहीं है, नेल नहीं मारा है, एक जाड़ को भी पाती नहीं है, ऐसा देखा ही नहीं। वो 18 साल का जर्मन लाइफ में कभी भी वो एक जाड़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, रिमूव कर रहा है, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं है। दिस इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस ओंकार, एंड he wanted to bring such a beautiful India, he wanted to see such a beautiful India, on the way we were discussing about this, this type of youth should be there to improve our country, we should go in that angle, aur wo angle mein hum log chalna chahiye, aage badhna chahiye, ye bol ke ye chota sa ek video end kar raha hai, dhanyawad onkar ke sath aho ratra। Thank you.